वेलकम जिंदगी। मेरे बहुत करीब दोस्त अभिजात जोशी के भाई ने लिखा है और एक्टिंग भी कर रहे हैं इस प्ले में। और बहुत साल पहले अभिजात, जब उस वक्त हम कौन सी फिल्म कर रहे थे, या तो पीके कर रहे थे या तो संजू कर रहे थे, अभिजात मुझे कह रहा था कि उनके भाई एक प्ले लिख रहा है, बहुत ही कमाल का प्ले है, उसमें एक ये सीन है और ये सीन है, और दो चार सीन के बारे में उन्होंने जिक्र भी किया। उसे भी 8 साल हो गए जो, और ये प्ले ने 800 शो कर चुके हैं गुजराती में, ये दूसरा शो है हिंदी में, दूसरा हिंदी में प्रीमियर हो रहा है। तो वो जो सीन के बारे में उन्होंने जिक्र किया था, आज मैं स्टेज पे देख रहा हूँ और मुझे ऐसा एक सरियल फीलिंग आ रहा है कि कैसे कोई एक थॉट जो है, जो हर एक इंसान, हर एक बंदा, हर एक फैमिली मेम्बर, हर एक बाप, हर एक बेटा, हर एक बीवी, हर एक माँ के लाइफ से एक जुड़ा हुआ रहता है और हमारे दिमाग और दिल में फंस जाता है। आज मैं देख रहा हूँ और इतने कमाल से उन लोगों ने परफॉर्म किया है, और वो सीन जो सीन अभिजात ने उस वक्त मुझे उसकी जिसकी जिक्र की थी, आज मेरे सामने परफॉर्म किया जा रहा है। आई फील सो प्राउड, और इतनी खुशी हो रही है ये प्ले देख के कि मुझे लगता है एक तो ये तो सुपर हिट प्ले ही है, पहले से 800 शो कर चुके हैं गुजराती में, आज हिंदी में देखो, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। आपने भी देखी होगी प्ले? बेसिकली ये एंटरटेनमेंट के जरिए एक आईना दिखा देते हैं अपने आप को कि आप कौन हैं, आपकी क्या लाइफ में इच्छाएं हैं, व्हाट आर योर विशेज, व्हाट आर योर ड्रीम्स, और आप में क्या खामियां हैं और आप में क्या गलती है, और वो गलती को हम मानने को राज़ी नहीं है क्योंकि मैं बाप हूँ, या मैं मानने को राज़ी नहीं क्योंकि मैं खुदगर्ज बेटा हूँ। लेकिन जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि हम कितने भी कम स्टूपिड लोग रहेंगे जो ऐसे हम बिहेवियर करते अपने ऐसे लोगों के साथ जो हमें इतना चाहते, इतना लव करते, लव इतना है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसे प्लेस को हमें देखना एज फैमिली पीपल, बेसिकली एक आईना दिखा देते कि आप कितने अच्छे से पेश आते हैं और कितने बुरी तरह पेश आते हैं, दोनों बहुत बहुत अच्छी कुछ आप इस पर फिल्म भी बननी चाहिए। मैंने अभी तक ध्यान नहीं दिया, लेकिन क्यों नहीं, सब्जेक्ट यूनिवर्सल है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, ये फैमिली के बारे में सब्जेक्ट है, एक माँ, एक बाप और एक बच्ची, अरे और बेटा, और सब्जेक्ट इतना यूनिवर्सल, लेकिन ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, और लेकिन ये यूनिवर्सल बन सकता है मेरे हिसाब से। यूनिवर्सल मतलब इट कैन बी फॉर ऑल पीपल। आप कहीं कौन से भी देश में जाओ, आप अमेरिका में जाओ या पोलैंड में जाओ या चिली में जाओ या कहीं भी जाकर पहुँच जाओ, ये जो बाप बेटे का डायनामिक और बीच में माँ बीच में फंसती है, वो डायनामिक कहीं भी हर एक घर में कहीं पे भी किसी की दुनिया में किसी भी देश में सेम डायनामिक होता है। लास्ट में इन दिनों क्या कुछ शूट कर रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी। क्या फिल्में आपकी इन दिनों आने वाली है, क्या शूटिंग? तो डंकी की शूटिंग खत्म होगी, मैं मेरी फिल्म ये दूसरे चार या पाँच महीने में मेरी फिल्म पर काम कर रहा हूँ, मैंने डायरेक्ट करूँगा, काम चालू है उसका, एंड बाई डिसम्बर इट शुड बी रेडी। मेरी खुद की फिल्म जो मैंने लिखी है, प्रोड्यूस की है और डायरेक्ट की है। सर, अर्शद वारसी ने मुन्ना भाई जी को लेके अपडेट दिया था, व्हाट डू यू वांट टू गिव एन अपडेट ऑन दैट? मुझे खुद कुछ मालूम नहीं मुन्ना भाई थे, अर्शद वारसी अपडेट किया है? क्या बोला मुझे तो बताओ। ही सेड दैट वेरी सून वी आर प्लानिंग। क्या बात है, ये शक्कर उसके मुँह में और क्या।